जाए जरा एक मिनट आप लोग। चलिए आप सबको सादर नमस्कार और अभिवादन जी। माइक चल रही है। आज राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अगले निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार 760 हमारे निकाय हैं, इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की के चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। हमारे कुल 17 नगर निगम हैं, 199 नगर पालिकाएँ हैं, 199 नगर पालिकाएँ हैं और 544 नगर पंचायतें हैं। ये कुल मिला की संख्या 760 है। इनके अध्यक्षों की और इसमें होने वाले वार्ड कमिश्नर और सदस्यों का भी चुनाव किया जाएगा। चुनाव दो चरण में किया जाएगा। पहले चरण का चुनाव 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इसके विस्तृत विवरण अभी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए 13 मई को संपादित किया जाएगा। अब ये इसके विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक 9/4/2023 को अधिसूचना जारी की गई है। जिला मजिस्ट्रेट इसके बारे में अधिसूचना पहले चरण के लिए 10 तारीख को और दूसरे चरण के लिए 16 तारीख को 16 अप्रैल को जारी करेंगे। जो हमारे RO और ARO हैं तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 11 अप्रैल है प्रथम चरण के लिए और 17 अप्रैल है दूसरे चरण के लिए। नाम निर्देशन पत्रों का क्रय और जमा करने का दिनांक प्रथम चरण के लिए 11/4/23 से 17/4/23 तक रखा गया है और द्वितीय चरण में 17/4/23 से लेकर 24/4/2023 तक रखा गया है। निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक 18/4/2023 को प्रथम चरण के लिए और 25/4 को द्वितीय चरण के लिए रखा गया है। प्रतीक आवंटन पहले चरण का अभ्यर्थन वापसी जो है वो 20 तारीख को प्रथम चरण का होगा और 27 तारीख को द्वितीय चरण का होगा। प्रतीक आवंटन 21 तारीख को प्रथम चरण के लिए 21 अप्रैल को और द्वितीय चरण का 28 अप्रैल को होगा। मतदान का दिनांक जैसा कि मैंने पहले भी बताया जो प्रथम चरण का 4 मई को और द्वितीय चरण का 11 मई को होगा और मतगणना का दिनांक दोनों चरण का मिलाकर के सभी का 13 मई को किया जाएगा। तो ये तो हमारे चुनाव के कार्यक्रम हैं, इस तरह से इसे संपादित किए। ये मतदान जो दो चरण में किया जाएगा इसमें 37 जिले प्रथम चरण में लिए गए हैं। ये मंडलवार अगर आपको बताएं तो हमारे सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल प्रथम चरण में लिए गए हैं।
इसकी इनके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त 37 जनपदों का चुनाव प्रथम चरण में संपादित कराया जाएगा। दूसरे चरण में मेरठ, ये कमिश्नर का नाम मैं बता रहा हूँ, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर, इन कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले 38 जिलों का द्वितीय चरण में चुनाव संपादित कराया जाएगा। हमारे कुल 760 नगर निकाय हैं, जिसके अंतर्गत 14,684 पदों पर निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। इस अध्यक्ष हैं और सदस्य वगैरह मिला के 14,684 पद हैं, जिसमें नगर निगम के 17 महापौर और 1420 पार्षद हैं, नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष तथा 5,327 सदस्य एवं नगर पंचायत के 544 अध्यक्ष तथा 7,178 सदस्य होंगे। तो इस तरह से कुल 14,684 पदों पे निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। एक विशेष बात और है कि हमारे नगर निगम में जो चुनाव कराया जाएगा वो ईवीएम से कराया जाएगा। जो हमारे 17 नगर निगम हैं, इनके महापौर और सदस्यों का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। शेष पदों पे, यानी नगर पालिका और नगर पंचायत में, उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव मतपेटिका का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए मतपेटिका के माध्यम से कराया जाएगा एंड बैलेट पेपर से होगा। इस चुनाव में 2017 के सापेक्ष हमारे वोटर्स की संख्या काफ़ी अच्छी खासी बढ़ी है, उसके कई कारण रहे होंगे। इसमें करीब 96,33,832 वोटर हमारे पिछले चुनाव यानी 17 के चुनाव की तुलना में इतने वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। 217 के सापेक्ष इस बार 107 निकायों में भी वृद्धि हुई है, यानी इस बार 760 हम लोग करवा रहे हैं, पिछले चुनाव में ये संख्या 653 थी। मतदान केंद्रों में भी उसी के अनुसार इस वर्ष 17 के सापेक्ष 2,361 मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 23वें वर्ष 17 के सापेक्ष कुल 2,024 पदों अध्यक्ष, महापौर, पार्षद और सदस्य की भी वृद्धि हुई है। कुल 2,024 पद है। 2,000 वृद्धि हुई है सब मिला के। तीनों मिला। हाँ, महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, सदस्य की सभी को मिला करके है ये सामान। 23 में लगभग 2,00,000 मतदान कर्मी की योजित किए जाएंगे। इसमें 2,00,000 कर्मियों को आवश्यकता पड़ेगी। इसमें ब्याज सीमा जो निर्धारित की गई है, आप लोगों ने पहले भी बताया है लोगों को, ब्याज सीमा महापौर के लिए जहां 80 वार्ड से कम है वहाँ 35 लाख रुपये, जहाँ 80 वार्ड से ज़्यादा है वहाँ 40 लाख रुपये रखा गया है। नगर पालिका के लिए 40 वार्ड तक 9 लाख रुपये और 40 वार्ड से अधिक के लिए 12 लाख रुपये का रखा गया है। अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2,50,000, पार्षद नगर निगम के लिए 3 लाख, सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख और सदस्य नगर पंचायत के लिए 50,000 रुपये की सीमा खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है। ये संक्षिप्त में ये विवरण था। सर, आपराधिक का कोई है? आपराधिक वाले